उत्तराखंड शिक्षा विभाग के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल पिछले कुछ साल पहले जहां शिक्षा विभाग में लगातार छात्र संख्या के साथ बोर्ड परीक्षार्थियों का आंकड़ा साल दर साल लगातार गिरता जा रहा था, वहीं अब इस आंकड़े में काफी सुधार हुआ है। इससे पूरा महकमा गदगद है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य बनने के बाद से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तेजी से घटती छात्र संख्या में इजाफा होने से विभाग ने राहत की सांस ली। ये बढ़ोतरी कोविड महामारी के बाद सरकारी स्कूलों में देखने को मिली। इसके साथ उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थियों के आंकड़े में भी इजाफा हुआ है। आंकड़े देखें तो साल 2022 में बोर्ड परीक्षाओं के आंकड़े कुछ इस तरह रहे। हाई स्कूल में 1,29,700 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1,13,529 छात्रों ने बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरा, लेकिन साल 2023 में हुई बोर्ड परीक्षाओं में ये आंकड़ा बढ़ा और 16,111 परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी। बोर्ड परीक्षाओं की बढ़ती तादाद के आंकड़ों से शिक्षा विभाग गदगद है, तो वहीं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड के सभापति आर के कुंवर भी बढ़ते आंकड़ों से उत्साहित दिख रहे हैं। इस वर्ष जो हमने 2022-23 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है बच्चों का, तो उसमें हमने ये पाया कि जो लास्ट ईयर हाई स्कूल के बच्चे थे वो थे 1,29,700 और ये बच्चे अब बढ़कर के हो गए हैं 1,32,104। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में हमने देखा कि 1,13,529 बच्चे पिछले साल रजिस्टर्ड थे और इस साल ये बच्चे हैं 1,27,236। इस प्रकार अगर टोटल देखें हम तो 16,111 बच्चे हमारे विद्यालयों में बढ़े हुए हैं, तो ये तो उत्साहजनक तो है ही, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी का ये कहना है कि बोर्ड परीक्षार्थियों के साथ इस साल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है और इस साल 65,000 छात्रों की संख्या सरकारी स्कूलों में बढ़ी है, तो बोर्ड परीक्षाओं की संख्या में भी 16,000 का ग्राफ बढ़ा है, जो विभाग के लिए राहत भरा है। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप पिछले वर्ष की तुलना करेंगे तो जो हमारी छात्र संख्या है, अगर कुल छात्र संख्या की बात करें तो 65,000 छात्र हमारे यहाँ बढ़े हैं, जो लगभग 6% है। इसी तरह से बोर्ड के परीक्षार्थी भी हमारे यहाँ लगभग 16,000 बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से अच्छी पहल है और हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि अगर लोग हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं, तो उनकी जो आशाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, उस पर शिक्षा विभाग पूरा खरा उतरे और हम लोग इसमें निरंतर प्रयास करें। प्रदेश के शिक्षा महकमे के लिए ये एक बेहतर संकेत है कि छात्र संख्या के साथ बोर्ड परीक्षार्थियों का आंकड़ा कोविड महामारी के बाद बढ़ा है, लेकिन अब ये विभाग को सुनिश्चित करना है कि बढ़े हुए आंकड़े हैं तो उनको बरकरार रखा जाए और इसके साथ बेहतर शिक्षा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दी जाए ताकि छात्रों का भरोसा सरकारी स्कूलों के प्रति बढ़े। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष गंगवाल की रिपोर्ट।